हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश है और आपका इंडियन केमिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी में स्वागत है। आज हम सबसे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे। जैसे मैं आपको 48 डिग्री सेल्सियस की बात करूंगा तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा गर्मी है, और जैसे मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूंगा तो आप बहुत ज्यादा ठंड फील। एंड टेम्परेचर वो पैमाना है जो आपको हीट और कूल के बारे में बताता है कि आप कोई चीज कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। चलिए हम आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। समझते हैं कि एक वाटर पॉट है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस ले जाना है तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ हीट या एनर्जी देना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। वाटर का स्पेसिफिक हीट 4.18 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे 4.18 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। मानते हैं कि इस स्पॉट पर 1 केजी का वाटर है, इसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री ले जाना है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, और इसके अंदर वाटर 1 केजी है तो मुझे 4.18 किलो जूल एनर्जी देना पड़ेगा इसका टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस ले जाने के लिए। यानी पर यूनिट मास का टेम्परेचर, पर यूनिट डिग्री सेल्सियस।